वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल अचीवर्स एकेडमी। मैं निशा शर्मा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरे चैनल को इतने शॉर्ट टाइम में इतना सारा पसंद किया। सेकंड थिंग मैं ये कहूँगी कि गाइज आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हरियाणा से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स अब आ रहे हैं, सीटेट, एसटेट, हरियाणा पुलिस, सब इंस्पेक्टर या जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं, मैं उन सबको प्रॉपर फोकस में लेकर चलूँगी। मेरी वीडियोज ऑलवेज शॉर्ट होंगी, मैं बोर्ड पे इसलिए लिख देती हूँ ताकि टाइम थोड़ा सा कम लगे, बट एग्जाम ओरिएंटेड होगी। जितने क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करके चलूंगी ना, तो ये मानिए वो क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आज मैंने हिस्ट्री में एक पर्टिकुलर सेक्शन को शुरू किया है। वैसे मैंने हिस्ट्री की 10 सीरीज बच्चों के लिए स्टार्ट कर दी है, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो हिस्ट्री बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए मैंने प्रीवियस ईयर्स में आए हुए एग्जाम्स को भी अपडेट कर दिया है, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हिंदी, हरियाणा जीके, इंग्लिश, बाकी सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे। अब देखिए, हिस्ट्री में एक्चुअली एंशियंट एंड मॉडर्न हम वो भी करेंगे, एंशियंट एंड मेडिवल, पर मैंने देखा है बहुत सारी हिस्ट्री है प्राचीन और मध्यकालीन, बेसिकली बच्चे पढ़ चुके होते हैं बहुत सारे बच्चे, बट मॉडर्न हिस्ट्री मैंने देखा हर बच्चे की बहुत वीक मिली है मुझे। और जितने भी एग्जाम्स की मैं बात करूँ ना, डोमिनेटिंग पार्ट रहता है मॉडर्न हिस्ट्री। बेल्टी गेट की बात करें तो वहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री ही दिया हुआ है जीके में, और तो दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करने का। तो हमने मॉडर्न से शुरू करा हिस्ट्री को कॉन्सेप्ट। अब देखो मॉडर्न हिस्ट्री, अब आपको पता है एंशियंट में हमने बहुत सारे राजा पढ़े, भारत का उद्गम पढ़ा, फिर हमने मेडिवल जो था उसमें दिल्ली सल्तनत, मुसलमानों का राज पढ़ा, मुगल बादशाहों का राज पढ़ा। अब मुगल बादशाहों के बाद भारत में क्या होता है, यूरोपियन कंपनीज आना शुरू हो जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो हम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, आधुनिक भारत की हम शुरुआत करते हैं यूरोपियन कंपनीज के भारत आने से। आपको पता भारत, हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली था, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत को मनोकामना पूरी करने वाली धरती कहा जाता था, भारत में गर्म मसाले थे, गर्म मसालों के लिए कहते यूरोपियन कंपनीज भारत तक आ गई थी, काली मिर्च को तो इतिहास का काला सोना बोला जाता था और काली मिर्च भारत में भरपूर थी। तो कहने का मतलब यूरोपियन कंपनीज भारत में व्यापार करने आई थी। तो काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है कि पहली यूरोपियन कंपनी कौन सी थी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कैसी ट्रिक है, यूरोपियन कंपनीज आप कभी नहीं भूलोगे। अब हम ऐसे याद करेंगे हेडिंग यूरोपियन कंपनीज का भारत आगमन। अब देखिए यूरोपियन कंपनीज भारत क्यों आई थी, लालच के लिए आई थी ना, व्यापार करना मतलब पैसा कमाना, कोई ना कोई लालच था उनको। तो हम ऐसे याद करेंगे पढ़े दस, कि उनको 10 रुपये पड़े दिखाई दिए उठाने के लिए भारत आ गए। अब 10 रुपये उठाने को ही नहीं आता, बट हमें तो याद करने से मतलब है कि उनको 10 रुपये पड़े दिखाई दिए उठाने भारत आ गए, मीन्स पड़े 10। तो मीन्स पी से पुर्तगाली, सबसे पहले यूरोपियन जो कंपनी भारत आई थी, पी से पुर्तगाली, डी से डच, पी से अंग्रेज, डी से डैनिश, यू को बदल लेंगे एफ में, एफ से फ्रांसीसी, एस से स्पैनिश। मीन्स भारत आने वाली यूरोपियन कंपनीज का सीक्वेंस कैसे याद करोगे, कि लालच के लिए आ गए, उनको 10 रुपये पड़े दिखाई दिए उठाने भारत आ गए, तो हमने रोमन में लिख दिया पड़े 10। पी से पुर्तगाली, डी से डच, ई से अंग्रेज, टी से डैनिश, एफ से फ्रांसीसी, एस से स्पैनिश। तो ये था सीक्वेंस। अब आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे पहले यूरोपियन कंपनी कौन सी आई थी, तो आप बोल दोगे पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद कौन आए डच, आपसे पूछ रहे फ्रांसीसी से पहले कौन आए डैनिश, सबसे बाद में कौन आए स्पैनिश। मीन्स इस सीक्वेंस से आप यूरोपियन कंपनीज को गलत नहीं करोगे, या कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डाल दिया, चार कोई भी चार दे दे आपको, तो आपको पता है पहली सीक्वेंस में आई थी यूरोपियन कंपनीज, तो कोई भी चार सीक्वेंस भी आपको दे दे तो आप क्लियरली बता पाओगे किस सीक्वेंस में आई थी। पुर्तगाली आए थे 1498 में, डच आए थे 1596, अंग्रेज 1600, डैनिश 1660, फ्रांसीसी 1664 एंड स्पेनिश 1731 में जो है इंडिया में आई थी। अब सबसे लंबे समय तक भारत में रहने वाली यूरोपियन कंपनी थी पुर्तगाली। कई बच्चे अंग्रेज सोचते हैं, बट अंग्रेजों ने लंबे समय तक राज किया था, लंबे समय तक रहने वाली यूरोपियन कंपनी थी पुर्तगाली। तो पढ़ते हैं फर्स्ट से लेके, पुर्तगाली से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन आया भारत में, पुर्तगाली। तो भारत में जो पुर्तगाली आया था सबसे पहले, उस पुर्तगाली का नाम था वास्को डिगामा। पता होगा ना भारत की खोज हम बोल देते हैं, तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा भारत में आया था 1498 में।
अब्बास को डिगामा एक समुद्री रस्ते से आया था जिसका नाम था कैप ऑफ गुड होप। सिर्फ मैंने क्वेश्चन बना के फॉर्मेट में कौन सा प्रकार यही क्वेश्चन आएंगे पुर्तगाली से आएंगे। तो वास्को डी गामा किस रस्ते से आया था? कैप ऑफ गुड होप के रस्ते से आया था, जिसको हिंदी में बोलते हैं आशा अंतरिक्ष। इंग्लिश में ऐसे लिखा होगा कैप ऑफ गुड होप। ठीक है गाइस, तो वास्को डी गामा भारत में पहला पुर्तगाली कौन आया? वास्को डी गामा। कब आया? 1498। किस रस्ते से आया? कैप ऑफ गुड होप। और इसको हिंदी में क्या लिखा मिलेगा? आशा अंतरिक्ष के रस्ते से भारत आया। और भारत में ये कहाँ पर आता है? कालीकट बंदरगाह पर। भारत में कहाँ आया? कालीकट बंदरगाह केरला में है। और कालीकट बंदरगाह पे इसका जो स्वागत किया, वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला इंसान कौन था? जमोरिन। मीन्स जमोरिन ने इसका खूब स्वागत किया। तो यहाँ से चार पांच क्वेश्चन क्लियर हो गए। पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा आया, 1498 में आया, कैप ऑफ गुड होप के रस्ते से आया। जमोरिन राजा ने स्वागत किया। जमोरिन कहाँ का राजा था? कालीकट का। कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा आया। ठीक है, मीन्स प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा आया। अब देखो, पुर्तगाली जब भारत में आ गए तो उनको अपना कहते हैं ना, अपने ऊपर गवर्नर जनरल वगैरह भी तो चाहिए होते हैं वायसराय। तो सबसे पहले जो पुर्तगाली वायसराय बन के आया वो था फ्रांसिस्को दी अल्मोरा। 1505 में, 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मोरा पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। अब इसने क्या किया भारत में आके? नीला पानी नीति। क्वेश्चन आ जाता है नीला पानी नीति किसने शुरू की? तो अपना आंसर होगा पुर्तगाली ने। पर पर्टिकुलर पूछे नाम दे देगा इंसानों के, तो किसने शुरू की? फ्रांसिस्को दी अल्मोरा। अब नीला पानी नीति क्या था? नीला मीन्स नीला पानी समुद्र का होता है, तो समुद्र से व्यापार करने की जो नीति शुरू की थी वो किसने की थी? फ्रांसिस्को दी अल्मोरा। यह क्वेश्चन आ जाता है प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन आया था? तो फ्रांसिस्को दी अल्मोरा। और इसने काफिला व्यापार मीन्स ग्रुप में समूह बना बना के सुरक्षित व्यापार करने को बढ़ावा दिया। तो काफिला व्यापार नीला पानी नीति किसने शुरू की? फ्रांसिस्को दी अल्मोरा। और ये कौन था? ये एक प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। फिर इसके बाद आता है 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क। दूसरा पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आता है कौन? अल्फांसो द अल्बुकर्क। अब अल्बुकर्क बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। क्यों है अल्बुकर्क इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसने गोवा शहर की स्थापना की थी। जो गोवा शहर हमारा बहुत पॉपुलर है घूमने के लिए, तो गोवा शहर की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो 1509 में दूसरा पुर्तगाली वायसराय बन गया है। और 1510 में इसने गोवा पर अधिकार किया, गोवा को जीता, गोवा की स्थापना की, कुछ भी कह सकते हो। तो गोवा शहर किसने बसाया? पुर्तगालियों ने जो है गोवा शहर को बसाया। अब पुर्तगाली भारत आए तो इन्होंने बहुत खास शुरू किया भारत में प्रिंटिंग प्रेस। बहुत बार क्वेश्चन आता है भारत में प्रिंटिंग प्रेस पहली बार किसने स्थापित की थी? छापा खाना प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी 1556 में, जो है पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई थी गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने जहाज निर्माण मतलब जहाज का निर्माण करना शुरू किया था। तंबाकू की खेती भी जो है पुर्तगालियों ने शुरू की थी। तो ध्यान रखना, प्रिंटिंग प्रेस, जहाज निर्माण, तंबाकू की खेती, ये किसके द्वारा शुरू की गई थी गाइस? पुर्तगालियों के द्वारा जो है ये शुरू की गई थी। अब देखो भारत में आए पुर्तगाली 1498 में, लेकिन गए हैं 1961 में। देखो कितना लंबा, अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए थे यहाँ पे। अंग्रेजों ने लंबे समय तक राज किया, बट लंबे समय तक रहे कौन? पुर्तगाली। 1961 में भारत से गए थे पुर्तगाली। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपियन पुर्तगाली, भारत से अंत में जाने वाले सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। 1961 में ऑपरेशन विजय, 1961 में एक अभियान चलाया था ऑपरेशन विजय। इस अभियान के दौरान पुर्तगालियों से गोवा खाली करवाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, पुर्तगालियों से गोवा खाली करवाया था ऑपरेशन विजय अभियान के दौरान 1961 में। तो सिंपल क्वेश्चन याद रखना, पहला पुर्तगाली कौन है, पहला गवर्नर इन्होंने क्या चलाया, तो ये कौन सा था गाइस पुर्तगालियों से रिलेटेड। आगे इस सीरीज को बिल्कुल फॉरवर्ड करेंगे, सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडर्न हिस्ट्री को बिल्कुल खत्म करेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में मॉडर्न आती है। डच, देन अंग्रेज, देन डैनिश, देन स्पैनिश। सो ये हिस्ट्री की सीरीज थी। सो इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक शेयर एंड आई होप यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको न्यू अपडेट्स का वीडियो मिलता रहे। तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।